What's up guys? What's going on? कैसा चल रहा है क्वारंटाइन? So we entered April, first of April. April Fool guys. Sachi. Hi Toril ji, how are you? Hello Yubi. Oh, I know it's lockdown. I'm fine. Back is good. Recovering. I know rush nahi aayi. Hi, Diti. How are you? Bina. Bhumika. Okay. Bhumika. Hey, Amit. Okay. So, I'm here for a cause. And I'm not going to stay much time today. I'll meet you tomorrow. So I'm here. I just posted one choco, like walnut choco cake. We can use it as brownie also. So what I did is, it's very simple recipe है. बहुत लोगों ने recipe के लिए request डाला था, but मैं जब बनाती हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रहता that I have to make a video. I just make it. और हर एक चीज़ मेरा first time होता है, so I don't know कि कैसे बनेगा. So मैं पहले try करती हूँ, इसलिए video बनाती नहीं हूँ. बट अभी अच्छा बन गया है, सो आई एम गिविंग यू द रेसिपी. बहुत ही सिंपल सा था आज जो मैंने पोस्ट डाला है. एक्चुअली दिस इज़ ओरियो बिस्किट है, तो चार छोटे छोटे चॉकलेट वाले ओरियो बिस्किट के पैकेट्स लिए थे. चार पैकेट को स्मैश करके उसको ग्राइंड कर लिया ग्राइंडर में. हाँ, वन कप छोटा, इतना साइज़ का छोटा वन कप मिल्क उस पर डाल के अच्छे से इसका ग्राइंड कर लिया, मिक्स कर लिया, बैटर बना लिया उसका, जो केक का बैटर होता है. उस पर एक चम्मच वन टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला, उसको अच्छे से फिर से मिक्स किया, ब्लेंड किया अच्छे से. करने के बाद उसको जो केक मोल्ड होता है जिसमें हम लोग डालते हैं केक पैन में, उस पर उसको अच्छे से ग्रीस करके, जिस तरीके से केक डाल मतलब बैटर को डालने से पहले ग्रीस करते हैं, वैसे आप लोग ग्रीस कर लीजिएगा. एंड देन वो बैटर उसमें डाल दीजिएगा केक पैन में. एंड देन ऊपर से वॉलनट डाल दीजिएगा, डाल के यू कैन अगर ओवन है ओवन में भी आप लोग बना सकते हैं. एंड इनफैक्ट प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, किसी भी बटन में बना सकते हैं. मैंने ओवन पे बनाया है. सो ओवन पे आप पहले 150 डिग्री टेम्परेचर में 10 मिनट्स के लिए उसको प्री हीट कर लिया. एंड देन उसके बाद 20 मिनट्स, फिर 150 डिग्री में ही मैंने 20 मिनट्स उसे रख दिया. एंड देन मेरा ओरियो चोको केक इज रेडी. तो उसको आप विद उसको गनाश भी कर सकते हैं चॉकलेट से, या तो फिर जो चॉकलेट लिक्विड आता है ना हमारे पास, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. यू कैन हैव इट विद वैनिला आइसक्रीम ऑल्सो, इट इज़ रियली गुड. सो या सो दिस इज़ द रेसिपी गाइस. सो जिन लोगों ने रेसिपी पूछी थी, सो ह्योर आई गेव यू. आप लोग ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. और जो लोग प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं, वो आई डोंट नो वेदर आप लोग को पता है कि नहीं कुकर में कैसे बनाते हैं. सो कोई भी कुकर या कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा नमक डालिए भर के. नमक डालने के बाद जिस पैन पे आप जो केक का जो पैन है वो पैन को वहाँ पे रखिए. एंड देन वो बर्तन को ऊपर से बंद कर दीजिए और एकदम लो फ्लेम में रखिए. अबाउट 35 to 40 मिनट्स इट टेक्स बर्तन प्रेशर कुकर में या कोई भी बर्तन में, इट टेक्स 35 to 40 मिनट्स. ऐसे करके आपका केक बन जाएगा. सो दिस इज हाउ सिंपल है ना, और बहुत टेस्टी भी है. सो ये बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और मुझे टैग कीजिएगा. पैशन के लिए करती हूँ. अभी आई एम फीलिंग वेल ऑल्सो. मेरा बैक पेन भी बहुत कम हो गया है, इसलिए थोड़ा टाइम निकाल पा रही हूँ. सो कल डेफिनेटली आई विल ट्राई. बीच में मैंने इडली डाला था, मिक्स वेजिटेबल इडली डाला था, तो मैंने वीडियोस नहीं बनाए किसी के भी. सो आई एम थिंकिंग अभी उसका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ चुका था, तो आई एम प्लानिंग टू मेक द वीडियो ऑफ द सेम. सो वंस
I start doing it, I'll upload on my YouTube channel also. Thank you so much and see you tomorrow. Till then, take care. Love you everyone.